सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। हिंदी क्लब में फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ हम दोनों पक्षों को अलग अलग रखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पहला पक्ष है आपका बोर्ड। तो पहला पक्ष बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 5 क्वेश्चन इसमें गलत है और 5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में और 5 क्वेश्चन सेकंड पेपर में गलत है, उसको हटाया जा रहा है। और इसके साथ उसने ये भी कह दिया है कि आपके जो ये है आंसर किए हैं वो अपलोड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है वही कि आप क्वेश्चन बताएं कि कौन से आप कंसीडर कर रहे हैं जिसके प्रश्न आप हटा रहे हैं, और वो आखिर आंसर की क्यों अपलोड, यानी मॉडल आंसर क्यों अपलोड नहीं कर रहा है। तो इसका भी मुझे लगता है कि रीजन है, क्योंकि समूह लता का जो आंसर की यानी मॉडल उत्तर जो अपलोड किया गया था तो उसके बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसके कारण इसको भी मे बी ऐसा लगता है इसको अपलोड नहीं किया जा रहा। ये हुआ आपका बोर्ड का पक्ष। अब आते हैं हम लोग अभ्यर्थी के पक्ष पे कि अभ्यर्थी शुक्रवार को गए थे, वहाँ बातचीत हुआ तो उन लोगों को बताया गया कि ये पॉइंट ये क्वेश्चन आपके गलत है, उन्होंने माना। लेकिन क्वेश्चन वहाँ नहीं बताया गया कि कौन से क्वेश्चन है, और क्लियर कट बता दिया है कि आंसर की अपलोड नहीं होगा। तो ये तो उन्हें करना ही चाहिए कि अपलोड किया जाए, क्वेश्चन बताया जाए, कम से कम क्वेश्चन तो बताया जाए जिसके आप रख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप गलत बता रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, या दो आंसर जिसके बता रहे हैं तो वो तो बताया जाना चाहिए। और इसके लिए अगर ऐसी होती है बात तो इसके लिए वो लोग पटना कॉलेज के पास इकट्ठा हो रहे हैं सोमवार को 11 बजे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और मैं पिंच कर दूंगा उनका नंबर कमेंट बॉक्स में, वहां आप ध्यान रखें। कल मैं पिंच करूंगा, शाम तक अपडेट कर दूंगा मैं इसी वीडियो के नीचे। और इसके अलावा बोर्ड रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश करने की तैयारी भी कर रही है, मे बी 12, 13, 14, लास्टली 15, वो जल्द से जल्द, मे बी आपका 12 या 13 भी हो सकता है, वो जल्द से जल्द पब्लिश करने के फिराक में ताकि ये बात आगे ना बढ़े। और इधर ये लोग भी, पहले इन लोगों का डिमांड था कि आगे बढ़ाया जाए डेट जाने का, लेकिन इसके कारण जब न्यूज मिला कि पब्लिश होने वाली बात है तो वो लोग भी जल्दी ही जाने की तैयारी में है ताकि आंसर की अपलोड किया जाए, नहीं तो वो क्वेश्चन बताए जाए। इसके अलावा मैं ये भी कह देता हूँ कि जो सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है 4, उसमें 1, 2, 3 ऑप्शन सही होने के कारण चौथा जो ऑप्शन है जिसका नहीं है उसको कंसीडर नहीं होने की बात, यानी चर्चाएं चल रही है। अभी ये ऑफिशियल नहीं है, कोई भी मैं न्यूज इसमें बता रहा हूँ, कोई भी कहीं प्रिंटेड नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हुई हैं, ऐसी बातचीत चल रही है जिसको आपको बताया जा रहा है। जो लोग गए थे उन लोगों से बातचीत हुई और जो आगे का न्यूज यानी जो हो रहा है उसको बताया जा रहा है। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि कुछ क्वेश्चन सोशल साइंस में कौन से क्वेश्चन है जो गलत है या उसके दो उत्तर हो सकते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। यहां मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, प्राचीन काल में वैशाली की संघ की राजधानी थी, प्राचीन काल में वैशाली किस संघ की राजधानी थी। यहाँ लिच्छवी और वज्जी में इतना कंफ्यूजन है, कौन सा आंसर होगा, यानी दोनों आंसर हो सकता है, लिच्छवी भी थी वज्जी भी थी, अकॉर्डिंग टू बुक वज्जी, लेकिन लिच्छवी भी थी, बहुत सारे बुक में देखेंगे तो वहां लिच्छवी मिलेगा, वहां वज्जी नहीं दिया रहेगा। तो पहला क्वेश्चन वो हुआ। उसके बाद 78 क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ को 3 ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन जो केसरिया है तो वहां 1 दिन बुद्ध ने बिताया था, जिसके कारण ये भी ऑप्शन सही है अगर देखा जाए तो। यहाँ सबसे कम संबंधित हो वो केसरिया आंसर हो सकता है,
यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो यहाँ 25 हैं वर्तमान में, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक 22 था, जिसे हिंदी क्लब ने कंसीडर किया हुआ था। तो कुल कितने भाग हैं? 25 वर्तमान में। तो ये भी क्वेश्चन है। कुछ लोगों का कहना विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, यहाँ वर्ष देने के कारण, जो वर्ष है इसको देने के कारण वो लोग बोल रहे थे, लेकिन वास्तविकता देखेंगे, अगर बुक में देखेंगे तो वो लिखा हुआ कभी भंग नहीं होता। कि ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता हिंदी क्लब भी कंसीडर करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन ये बाकी जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने पढ़ के आपको बताया है, नॉट ये, बाकी जो पढ़ के मैंने बताया है वो क्वेश्चन कंसीडर होने चाहिए सोशल साइंस। इसके रिगार्डिंग कुछ लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं, कुछ लोग कहना है कि, मतलब जो लोग गए थे उन लोगों का कहना था कि इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए जो आपके डाउट के क्वेश्चन, उस नंबर पे कुछ लोग व्हाट्सअप भी कर रहे हैं, कोई रिप्लाई लेकिन उधर से नहीं आ रहा। नंबर आपको पहले ही पता है, पहले वीडियोस देख लीजिए नहीं तो। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा जिन्होंने शेयर किया और प्यार भरे कॉमेंट्स किए, यानी सपोर्ट करने का, थैंक्स, आपको तहे दिल से शुक्रिया। और हमेशा हिंदी क्लब के साथ बने रहें, मैं निश्चित ही आपको सफलता दिलाऊंगा हर क्षेत्र में। मैंने बोला था कि अगर कोई गलती होगी तो हिंदी क्लब की तरफ से आवाज़ जरूर उठेगी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और इसके साथ मैं यूपी टेट पे भी आज मैं अपलोड कर दूंगा यूपी टेट क्रैकर, जो देखने के बाद यूपी टेट कैसे क्रैक करना है निश्चित ही आप क्रैक कर पाएंगे। और साथ ही बिहार टेट से संबंधित जो भी न्यूज़, जो भी अपडेट होगा, वो आपको पल पल की खबर हिंदी क्लब की तरफ से मिलती रहेगी। तो आप हमेशा हिंदी क्लब के साथ बने रहें, शेयर करते रहें, लवली कमेंट्स करते रहें, उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी क्लब।